हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो आज हम बात करेंगे लाल कुआँ बांद्रा टर्मिनल लाल कुआँ नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। रेलवे के द्वारा उत्तराखंड के लाल कुआँ रेलवे स्टेशन से मुंबई के मध्य में एक नई ट्रेन शुरू होने जा रही है। ये ट्रेन लाल कुआँ बांद्रा सुपरफास्ट एक्सप्रेस के नाम से चलाई जा रही है। तो आइए जानते हैं इस ट्रेन के बारे में क्या रहेगा, इस ट्रेन का रूट और टाइम टेबल। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, आप लोग उस बटन को दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको रेलवे से जुड़ी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होते रहेंगे। देखिए आज की इस वीडियो आज हम बात करेंगे रेलवे के द्वारा उत्तराखंड से मुंबई के मध्य में शुरू होने वाली नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। ये ट्रेन लाल कुआँ से बांद्रा टर्मिनल चलाई जाएगी, सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन रहेगी। तो आइए जानते हैं इस ट्रेन के बारे में। ये ट्रेन रहेगी जब लाल कुआँ चले गाड़ी नंबर 22544 नंबर सर, ये ट्रेन आपकी चलाई जाएगी। लाल कुआँ से बांद्रा टर्मिनल से चलेगी मुंबई के बांद्रा से 22543 यानी 22543 नंबर रहेगा। हफ्ते में एक दिन चलेगी लाल कुआँ से ये ट्रेन आपकी सोमवार को, बांद्रा से ट्यूसडे मंगलवार को चलाई जाएगी। ये ट्रेन लाल कुआँ से 21 अक्टूबर से चलना प्रारंभ है और 22 अक्टूबर से मुंबई से चलना प्रारंभ हो रही है। इस ट्रेन की टिकट बुकिंग रेलवे के द्वारा ओपन कर दी गई है। ये ट्रेन लाल कुआँ रेलवे स्टेशन से जब चला करेगी मुंबई के लिए तो सुबह 7:45 पर डिपार्चर करेगी लाल कुआँ से। रुद्रपुर सिटी 8:25 पर, रामपुर 9:20 पर 2 मिनट का स्टॉपेज रहेगा। मुरादाबाद 9:52 पर आएगी, 10 मिनट का स्टॉपेज रहेगा। तो मुरादाबाद से मुंबई के लिए पहली सीधी ट्रेन होगी जो कि मुरादाबाद से सीधे मुंबई जाएगी। नेक्स्ट स्टॉपेज आएगा अमरोहा 10:31 पर, हापुड़ आएगी 11:31 पर, 5 मिनट खड़ी रहेगी हापुड़। गाज़ियाबाद आएगी 12:40 पर, 2 मिनट का स्टॉपेज। हजरत निज़ामुद्दीन आएगी दोपहर के 1:35 पर, 1:50 पर जाएगी 15 मिनट का स्टॉपेज। हजरत निज़ामुद्दीन मथुरा जंक्शन आएगी दोपहर के 3:55 पर और यहाँ 5 मिनट खड़ी मथुरा जंक्शन। भरतपुर जंक्शन आएगी शाम के 4:23 पर और यहाँ 2 मिनट का स्टॉपेज है। सवाई माधोपुर पहुँची शाम के 6:13 पर, 2 मिनट खड़ी रहेगी। कोटा जंक्शन आएगी शाम के 7:30 पर, 10 मिनट का स्टॉपेज कोटा जंक्शन। रतलाम रात के 11:30 पर पहुँचेगी, यहाँ पर रतलाम रेलवे स्टेशन आ जाएगी रात के 10:30 तक। देखिए रतलाम ये ट्रेन रात के 11:30 पर आएगी, 5 मिनट का स्टॉपेज रहेगा। बड़ौदा आएगी रात के 3:00, सूरत आएगी सुबह के 4:50 पर, यहाँ 5 मिनट खड़ी रहेगी। वापी आएगी 5:59 पर, बोरीवली आई 7:30 पर, बांद्रा टर्मिनल 8:30 पर सुबह आ जाएगी। बांद्रा टर्मिनल से जब ये ट्रेन आपकी चलाई जाएगी तो बांद्रा से 22543 नंबर साथ ये ट्रेन आपकी चला करेगी और बांद्रा टर्मिनल से ये ट्रेन प्रत्येक मंगलवार को चलाई जाएगी। दिन के 11:00 चला करेगी बांद्रा टर्मिनल से। बोरीवली आएगी 11:23 पर, वापी आएगी दोपहर के 1:00, सूरत आएगी दोपहर के 2:19 पर, बड़ौदा आएगी शाम के 4:00, रतलाम आएगी रात के 9:10 पर, कोटा जंक्शन आएगी रात के 12:30 पर कोटा जंक्शन। सवाई माधोपुर आई रात के 1:43 पर, भरतपुर जंक्शन आई 4:08 पर, मथुरा जंक्शन आएगी सुबह 5:00 मथुरा जंक्शन। हजरत निज़ामुद्दीन आएगी 7:30 पर, 8:30 पर आई गाज़ियाबाद। हापुड़ जंक्शन आएगी 9:08 पर, अमरोहा आएगी 10:09 पर, मुरादाबाद आएगी 11:03 पर, रामपुर आएगी 11:43 पर, रुद्रपुर सिटी आएगी 12:23 पर, दोपहर के 1:15 पर लाल कुआँ आ जाएगी। तो ये नई ट्रेनें लाल कुआँ से बांद्रा टर्मिनल के लिए चलाई जाएगी और लंबे समय का यात्रियों की मांग पर रेलवे के द्वारा एक नियमित ट्रेन शुरू होने जा रही है। लाल कुआँ बांद्रा, बांद्रा लाल कुआँ एक्सप्रेस ट्रेन है और इस ट्रेन की टिकट की बुकिंग रेलवे के द्वारा ओपन कर दी गई है। तो ये अपडेट थी लाल कुआँ बांद्रा टर्मिनल नई सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में। तो आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, आप लोग उस बटन को दबाकर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको रेलवे से जुड़ी वीडियो के लेटेस्ट अपडेट प्राप्त होते रहेंगे। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।